अब कुछ लोग विश्वास नहीं करते पर जिंदगी में चमत्कार होते हैं जी। हाँ नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीबीसी ब्रेकिंग में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आमिर खान स्टारर फिल्म लाल सिंह चड्ढा मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और वहीं आप लोग बताएंगे कि लाल सिंह चड्ढा मूवी अपने आज के दिन बॉक्स ऑफिस पर क्या रिस्पांस दिखा रही है, और साथ ही साथ लाल सिंह चड्ढा मूवी को जो कि आज के दिन कितने करोड़ रुपया कारोबार हो रहा है, और इस फिल्म ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपया कारोबार कर लिया है। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग पे बने रहें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, देखते रहेगा पूरा वीडियो। तो आप लोगों को बताइए चले कि आमिर खान स्टारर फिल्म लाल सिंह चड्ढा मूवी, जिस मूवी को 11 अगस्त के दिन सिनेमा घरों में रिलीज किया गया, इस फिल्म में आप लोगों को आमिर खान, करीना कपूर और नागा चैतन्य नजर आए। आप लोगों को बताया चले कि आमिर खान स्टारर फिल्म लाल सिंह चड्ढा मूवी को बनने में बहुत ही ज्यादा समय लगा, और वहीं लाल सिंह चड्ढा मूवी को बनाने में बहुत ही ज्यादा बजट भी लगा। आप लोगों को बता दें कि यह 180 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई है, और वहीं लाल सिंह चड्ढा मूवी में आप लोगों को आमिर खान जोरदार और दमदार तरीके से एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं। आप लोगों को बता दें कि लाल सिंह चड्ढा मूवी एक ऐसी मूवी है जिसे पब्लिक के द्वारा बहुत ही ज्यादा हेट मिला, और वहीं पब्लिक ने इसे प्यार भी दिखा है। लेकिन आप लोगों को बताया चले कि आमिर खान स्टारर फिल्म लाल सिंह चड्ढा मूवी ने इंडिया में अच्छा खासा कलेक्शन नहीं किया, लेकिन बाहर देशों में लाल सिंह चड्ढा मूवी ने जोरदार और धमाकेदार तरीके से रिस्पांस दिखा रही है, और ये फिल्म धमाकेदार तरीके से कलेक्शन भी कर रही है। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के बारे में। तो आप लोगों को बताया चले कि ये एक हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, और इस फिल्म को आमिर खान के प्रोडक्शन तले ही बनाया गया है। लाल सिंह चड्ढा मूवी जो कि अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जोरदार और धमाकेदार तरीके से 14 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, और वहीं दोस्तों इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन 7 करोड़ 75 लाख का कारोबार किया। तीसरे दिन की बात करें तो तीसरे दिन इस फिल्म ने 9 करोड़ का कारोबार किया, और चौथे दिन इस फिल्म ने 10 करोड़ रुपए का कारोबार किया बॉक्स ऑफिस पर। आमिर खान की पहली ऐसी फिल्म है जिसको इतना ज्यादा हेट मिलने के बावजूद भी जोरदार और धमाकेदार तरीके से कलेक्शन कर रही है। इस फिल्म के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 74 करोड़ रुपए का अभी तक नेट कलेक्शन कर लिया है बॉक्स ऑफिस पर। आज के दिन की बात करें तो आज के दिन यह फिल्म कम से कम दोस्तों 10 लाख का कारोबार कर रही है बॉक्स ऑफिस पर। आप लोगों को क्या लगता है आमिर खान स्टारर फिल्म लाल सिंह चड्ढा मूवी अपने आज के दिन क्या रिस्पॉन्स दिखाएगी, क्या यह 10 लाख का कारोबार कर पाएगी नहीं? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और साथ ही साथ हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे अगर आप लोग नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।